लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कर लिया था हम लोगों ने चिल्ड्रन, और मैंने कहा था आपको 5th करने को, 5th 6th बन गया है या मुझे बताना है? चिल्ड्रन गिव मी रिस्पांस, वी हैव डन क्वेश्चन 1-4 इन लास्ट क्लास, हैव यू डन क्वेश्चन 5th और 6th? राधिका ने तो यस मैम किया, बाकी बच्चे बताएं फटाफट, 5th 6th बताना है बच्चों या आपने कर लिया है? मैंने होमवर्क में आपको 5th 6th दिया था जी, हाँ ओके। फास्ट चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स, 5th 6th बताना है बेटा ये आप लोगों ने कर लिया जो होमवर्क में दी थी? ओके, तो राहुल इतनी देर से क्यों लिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 राहुल, क्वेश्चन नंबर 5 भी बताना है, ओनली राइट क्वेश्चन 5 यस और नो। ओके, देखो ये हमारी एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 जो है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6 कह रहा है क्या, पहले मैं इसको रीड करके बच्चों आपको समझाती हूँ फिर बनाऊंगी। ए फार्मर हैज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। देखो ये एक फार्मर का फील्ड है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है ना, ये फार्मर का फील्ड है जो PQRS के फॉर्म में है। अब कहता है सी टू एनी पॉइंट ए ऑन RS, सी टू एनी पॉइंट ए ऑन RS, ओके, एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट पी एंड क्यू, ज्वाइन इट टू पॉइंट पी एंड क्यू, ओके। इन हाउ मेनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, तो कितने पार्ट में फील्ड डिवाइड हो गया बच्चों? द फील्ड इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, ठीक है ना, मैं इनके नाम भी याद लिख रही हूँ, 1, 2 एंड 3। एक फार्मर के पास पैरेललोग्राम शेप का एक फील्ड था बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम फील्ड था PQRS, उसने कहा कि RS पर इसने एक पॉइंट लिया A, इससे P और Q दोनों को इसने ज्वाइन कर दिया, ओके। अब इसने पूछा फील्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, तो फील्ड 1, 2, 3, 3 पार्ट में फील्ड हमारा डिवाइड हो गया। आगे कह रहा है क्या, व्हाट आर द शेप ऑफ दिस पार्ट्स, दीज आर ट्रायंगल, कैसे शेप के, सब ट्रायंगल के शेप के है ना बेटा, तो लिख देंगे दीज आर ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल के शेप के हैं सब। आगे क्या पूछ रहा है, द फॉर्मर वॉन्ट्स टू शो वीट एंड पल्सिस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड सी गो इट। आप समझ लो ये ना दो तरह के क्रॉप्स इसमें लगाना चाह रहा है, एक लगाना चाह रही है शी लिख रखा है, एक तो वीट की क्रॉप लगाना चाह रही है और एक पल्सिस लगाना चाह रही है। अब देखो चिल्ड्रन समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये तीन पार्ट हो गए, अब वो चाहता है फार्मर कि मैं जो वीट और पल्सेस लगाऊं उसको लगाने का जो एरिया है, पोर्शन जो है वो इक्वल हो। अब यहाँ पे जो हमने थ्योरम पढ़ा था बच्चों कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है बेटा, तो
ट्रायंगल का जो एरिया होता है पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होता है हाफ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ BQRS ऑन सेम बेस PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस PQ एंड AC। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एरिया ऑफ PAQ क्या है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, और ये क्या है बेटा PQRS हाफ एरिया ऑफ PQRS है। तो अब यहाँ पे एरिया ऑफ जो सेकेंड पार्ट है बच्चों इसको जो है PQRS को हम क्या लिख सकते हैं देखो हाफ, और अगर आधे को हम निकाल दें तो आधे की जगह पर क्या आ जाएगा एक बार पहले मैं लिख देती हूँ 1 + 2 + 3। ठीक है ना, अब सेकेंड की जगह पर हम इसको और क्या लिख सकते हैं बच्चों दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, हो जाएगा इक्वल, क्योंकि आधा बेटा जब आधे के इक्वल है तो बचा हुआ हाफ क्या हो गया इसको दो पार्ट में भी लिख सकते हो एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो हाफ एरिया जैसे इसको आप चाहो तो एक बार और भी लिख सकते हो इस तरह से कि जो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड है बच्चों ये भी हाफ है एरिया ऑफ PQRS का, तो आप इससे भी इसको कर सकते हो जैसे इसको ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट और थर्ड भी हाफ है बच्चों और सेकेंड भी हाफ है PQRS का ये वाले पार्ट का, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एरिया ऑफ सेकेंड इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड। अब आ गया समझ में, अब हम कहीं भी निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे इन फर्स्ट केस जो क्वेश्चन में लिख रखा है क्या कह रहा है इन फर्स्ट केस फार्मर शो इन फर्स्ट केस फार्मर शो वीट इन सेकेंड पार्ट एंड पल्सेस इन इन फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, या और क्या कर सकता है दिख रहा है आपको या और क्या कर सकता है बच्चों इन सेकेंड केस सेकेंड लिख लेती हूँ नहीं तो दोनों मिल जाएगा इन सेकेंड केस फार्मर इन सेकेंड केस फार्मर पल्सेस इन सेकेंड पार्ट एंड वीट इन फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, कुछ भी कर सकता है बच्चों या तो बीच में लगा ले वीट को या बीच में लगा ले पल्सेस को, दोनों बात जो होगी सेम होगी। सबको समझ में आ गया या फिर से बताना है? देखो जब भी बच्चों एक चीज याद रखो जैसे ये पैरेललोग्राम है देखो और ये ट्रायंगल है तो ये पैरेललोग्राम का हाफ है ये पैरेललोग्राम का हाफ है तो बचा हुआ पार्ट भी क्या होगा पैरेललोग्राम का हाफ होगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी तीन लाइन में लिख सकते हो एरिया ऑफ सेकेंड इज हाफ एरिया ऑफ दिस देयरफॉर एरिया ऑफ दिस प्लस दिस इज ऑल्सो हाफ एरिया ऑफ दिस, तो जब दोनों हाफ हाफ इक्वल है बच्चों तो दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए।
हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, फिर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरम तो मैंने पहले ही आपको करा दी थी बेटा, सबसे पहले जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था आपको बच्चों तभी मैंने ये थ्योरम करा दी थी। क्या बताई थी कि अगर दो पैरेलल लाइन और सेम बेस के बीच में ट्रायंगल्स हो तो उन सबके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस इक्वल है और दो पैरेलल लाइन से बच्चों तो हाइट भी इक्वल है, तो सबके एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे। नो मैम क्या लिख रहा है राहुल? पहले दिन ही जब चैप्टर स्टार्ट करी थी तभी बताई थी, है ना? अभी आप कर लो इसको फिर बताऊंगी। जब सबका हो जाए तो डन लिख देना चिल्ड्रन। ज्योमेट्री में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है चिल्ड्रन, इसलिए आपको लैंग्वेज पूरा लिखना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप सबने बना लिया है ना? Only 4 स्टूडेंट क्लास दे रहे हैं, बाई बाई। किसने कह दिया आपको बेटा कि 4 ही बच्चे क्लास दे रहे हैं? राधिका आपको कैसे पता है बेटा कि 4 ही बच्चे क्लास दे रहे हैं बाकी नहीं दे रहे हैं? ओके, कोई मैसेज नहीं कर रहा बेटा, अब मैसेज का क्या किया जाए बताओ? इधर है तो कृष्णा जिया राहुल मनीष कर रहे हैं, ये आप कर रहे हो। ठीक है ना चिल्ड्रेन, हो गया सबका? नेक्स्ट बताऊं, सबने कर लिया? देखो चिल्ड्रेन वापस रिपीट कर रही हूँ, बट मैंने आपको ये थ्योरम देखो बताया था स्टार्टिंग में। अगर सपोज करो कि ये देखो ये एक बेस है मेरे पास ए बी, ठीक है ना, और इसके एक पैरेलल लाइन ले ले रही हूँ ऐसी, देखो ध्यान दो, और मैं इस पे खूब सारे ट्रायंगल बना रही हूँ, वन ट्रायंगल, ट्रायंगल, थ्री ट्रायंगल, कितने भी ट्रायंगल बना लूं सबके नाम दे दे रही हूँ पी यू आर। अब देखो एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए क्यू बी इक्वल होगा एरिया ऑफ ए आर बी। क्यों इक्वल होगा बच्चों? सबका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये दो पैरेलल लाइंस है ना बच्चों, जो भी इनके बीच की हाइट होगी, सपोज करो कि ये हाइट में एच ले रही हूँ, ये तीनों के लिए एक ही होगी, तो सबका यही एरिया हुआ, तो इसलिए तीनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। आपको याद होगा कि आपको ध्यान होगा कि ये हमने फर्स्ट डे ही आपको समझाया था कि दो पैरेलल लाइंस और सेम बेस के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स होंगे सबका एरिया इक्वल होगा। क्यों होगा ये रीजन यहाँ पर बता दी। जब भी हम दो पैरेलल लाइंस देते हैं चिल्ड्रन, तो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो हाइट होती है, मतलब उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होगी, और जो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस होती है चिल्ड्रन, वही उनकी हाइट होती है। तो अब बेस तो सेम ही है बेटा, सब सेम बेस पर है,
और सबकी हाइट भी सेम हो गई, तो जब आप एरिया का फॉर्मूला लगाए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो सबकी इक्वल हो गई, तो सबकी इक्वल हो गई तो सबका एरिया भी इक्वल हो गया। राहुल क्लियर? मैं यही हमारा ये थ्योरम है बच्चों, और इसी से अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बस एक यही थ्योरम था बेटा, आप लोग ये कर लेना। अब हमारी एक्सरसाइज 9.3। अब बेटा अब जो एक्सरसाइज है अब ध्यान से समझना, सब एरिया से रिलेटेड है, कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम गिवन है बच्चों, एबीसी एक ट्रायंगल है। और हमारा डी जो है बच्चों मीडियन है हमारा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। अब इसी डी पर जो है हमने एक पॉइंट ले लिया, अब जो पहले गिवन है लिखते हैं, गिवन जो मिला हुआ है मुझे एबीसी इज ए ट्रायंगल, इट इज ठीक है ना, एडी हमारा मीडियन है चिल्ड्रन। हमें क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ एबी इक्वल टू एरिया ऑफ एसी। अब देखो एबी कहाँ है बच्चों, इस ट्रायंगल के एरिया को, इस ट्रायंगल के, अब ध्यान दो एरिया को इक्वल करना है बेटा। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि कॉन्ग्रेट ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है, कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेट है तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो मीडियन जो है बेटा, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन उसको दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अब इसलिए देखो डिवाइड ऐसे भी आप देख लो, हमारा जो यहाँ पर ट्रायंगल जो दे रखा है, आपका ये थ्योरम दे रखा होगा, देखो एग्जाम्पल थर्ड पहले आप देख लो, पहले एग्जाम्पल थर्ड देख लो फिर मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगी। क्या कह रहा है एग्जाम्पल थर्ड, शो दैट मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो होता है, पहले मैं इसको समझाती हूँ बच्चों, फिर मैं इसी को यूज करूंगी आपको आगे, ठीक है ना। देखो कैसे होता है, पहले इसको प्रूफ करने से पहले इसे समझो। ये देखो ये हमारा ट्रायंगल है ना, और ये इसका मीडियन। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मीडियन जो है इसको दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। अब मैं ना इस पे हाइट डालूंगी बच्चों, ये रही मेरी हाइट। अब देखो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी थी, ए बी क्या होगा हाफ इंटू बी बी इंटू ए, इसको वन कर दो। फिर एरिया ऑफ ए सी डी ये होगा बच्चों हाफ इंटू सी डी इंटू ए। अब चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ इंटू बी डी इंटू ए, इसको टू कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इस थ्योरम को मैंने इस एग्जाम्पल में दे दिया है, राइट हैंड साइड इक्वल है बच्चों, तो एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी। और इससे मुझे क्या पता चला, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू, अब इसको मैं यूज करूंगी इनटू टू, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ
इक्वल टू, ठीक है ना बच्चों। अब इसको आप पहले बना लो कि कोई भी ट्रायंगल का मीडियन उसको दो सेम एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मैं इसको पूरे एक्सरसाइज में यूज करने वाली हूँ चिल्ड्रन, तो पहले तो आप इसी को ये वाला पार्ट लिखकर ये प्रूफ लिख लो, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगी। हो जाए तो डन लिख देना बच्चों। चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन गिव मी रिस्पॉन्स, डन। अब देखो इसको मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ बच्चों, है ना। अब मैं देखो यहाँ लिखूंगी सिंस AD इज मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ACD, ठीक है ना। अब देखो बच्चों E जो है ना, E भी जो है हो गया यहाँ तक, इसको फर्स्ट करके छोड़ दो। अब देखो नीचे सिंस ED इज मीडियन ऑफ EBC, देखो नीचे वाला जो ट्रायंगल बेटा EBC है इसका भी ED क्या है, मीडियन है। देयरफॉर एरिया ऑफ EBD इक्वल टू एरिया ऑफ ECD, ये है सेकंड। अब क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ EBD, लेफ्ट में भी लेफ्ट से माइनस करेंगे बच्चों और राइट में राइट से, माइनस एरिया ऑफ ECD। कुछ नहीं किया, इससे इसको माइनस कर दी, इससे इसको माइनस कर दी। अब देखो इस पूरे में से बच्चों इसको माइनस कर दी, तो ये जहां पे मैंने कलर लगा रखा ये वाला एरिया बच गया, एरिया ऑफ एबी। और देखो बच्चों इधर भी ये पूरा है, इस पूरे में से इसको माइनस कर दी तो ये वाला पार्ट बच गया एरिया ऑफ एसीबी, और यही तो प्रूफ करना था बच्चों। आ गया चिल्ड्रन समझ में, या वापस से इसको रिपीट करूं? हो जाए बच्चों, तो होते ही डन लिखो, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपने बना लिया। Thank you.
कृष्णा और राधिका के अलावा कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये विशाखा डन ना। अब देखो क्वेश्चन सेकंड बता रही हूँ चिल्ड्रन, फर्स्ट की तरह ही है। इसी डायग्राम से काम हो जाएगा हमारा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों इसमें। यहाँ पर ई के बारे में कुछ नहीं बताया था, यहाँ कह रहा है ई मिड पॉइंट है। अब देखो मैं यहीं पर समझा रही हूँ, मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगी चिल्ड्रन। सेकंड क्वेश्चन देखो मैं इस डायग्राम में समझा रही हूँ, सेम टू सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है। पहले तो देखो एरिया जो है एबीडी का, खुद करोगे इसे, इक्वल है एरिया किसके, एसीडी के, क्योंकि ये क्या था, मीडियन था। अब ये बच्चों ये भी मिड पॉइंट दे दिया कि ये भी मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का भी एरिया आपस में क्या हो गया, इक्वल। और इन दोनों का भी एरिया क्या हो गया, आपस में इक्वल। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, पूरा पूरा के इक्वल। तो ये चारों आपस में क्या हो गया, एरिया फर्स्ट का इक्वल हो गया, एरिया सेकेंड का इक्वल हो गया, एरिया थर्ड का खुद से लिखना इसको, और ये इक्वल हो गया एरिया फोर्थ का, क्योंकि इधर से ये भी मीडियन है और इधर से ये भी मीडियन है। इसने दे रखा है कि मिड पॉइंट है, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो कोई भी एक पार्ट पूरे का क्या है, वन फोर्थ है। कोई भी जो हमारा एक पार्ट है वो पूरे का क्या है, वन फोर्थ है, यही प्रूव करना है। लिखोगे कैसे, पहले तो लिख दोगे कि जो हमारा एबीडी है वो इसके है, और फिर एबीडी को बांट देना। एबीडी को किस में बांट देना, एरिया ऑफ एबीडी प्लस एरिया ऑफ बी। अब देख लो कौन सा लिखने कह रहा है, एबीडी लिखते कह रहा है, बीईडी मान रहा है, तो इसकी जगह पर भी बीईडी डाल देना, एरिया ऑफ बीईडी। और ये क्या है, हाफ एरिया ऑफ एबीसी है। अब यहाँ पे दो बार बीईडी लिख देना तो टू एरिया ऑफ बीईडी हो गया, और इधर क्या हो गया, हाफ एरिया ऑफ एबीसी। अब ये टू इधर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, वन फोर्थ एरिया ऑफ एबीसी। और रीजन सब में यही होगा कि मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, यही हमारा सेकेंड है। पहले गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना, और ये प्रूफ लिखना बता ही थी मैं आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रही हूँ चिल्ड्रन। थर्ड कह रहा है शो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो हमारा जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल जो है ना, वो मतलब ये चारों का एरिया इक्वल है। मुझे यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ ए ओ बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ डी, ये प्रूफ करना है बच्चों। और गिवन में कुछ नहीं है, गिवन में सिर्फ मेरे पास है एबीसीडी से पैरेललोग्राम, मैं बस इसी की प्रॉपर्टी को काम में लूंगी। क्वेश्चन आ गया समझ में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आप प्रूफ कर दीजिए कि इसके जो डायगोनल है, इसके डायगोनल इसको फोर इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहले पहले ले लेते हैं प्रूफ में, सबसे पहले प्रूफ में मैं देखो लेती हूँ इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। आप देखो ये इसके इक्वल है, पहले एडीसी ली हूँ तो सीडी इज इक्वल टू है एबी, और
ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है और फिर इधर से क्या है बीसी और एडी, तो इधर से मैं लिखूंगी एडी इज इक्वल टू बीसी, जो इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ इक्वल। और एक बीच में क्या है बच्चों कॉमन है, एसी इज इक्वल टू एसी, ये क्या है कॉमन, तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एबीसी, इससे बच्चों बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी से इक्वल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्या क्या समझाई मैं, ये वाला ट्रायंगल ले ली बच्चों ऊपर वाला और ये ट्रायंगल नीचे वाला, एक बार देखो ऊपर का ली, अभी इस वाले लाइन को मत देखना, एक ऊपर का ट्रायंगल एक नीचे का, ये साइड इस साइड के इक्वल बच्चों और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये बीच में क्या है कॉमन, तो ये वाला ट्रायंगल बच्चों इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं चिल्ड्रेन तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ एडीसी इक्वल टू एरिया ऑफ एबीसी और इसको फर्स्ट करके छोड़। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम चिल्ड्रेन, बेटा आप लिखो बट मुझे बताओ कि वापस रिपीट करना है या आपको समझ में आकर, एक कृष्णा को छोड़कर किसी को रिस्पांस नहीं करना है ना आप लोगों को, सो रहे हो क्या सारे, अब देखो यहाँ पर चिल्ड्रेन पैरेललोग्राम के डायगनल क्या करते हैं दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आपको बताया ना पैरेललोग्राम के डायगनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाली साइड चिल्ड्रेन इस साइड के इक्वल है। अब देखो जब ये साइड इस साइड के इक्वल है इसका मतलब डीओ क्या हो गया, डीओ मीडियन हो गया ना, देखो इसलिए सबसे पहले मैं उस एग्जांपल को आपको समझाई, डीओ क्या हो गया डीओ मीडियन हो गया, तो डीओ मीडियन हो गया चिल्ड्रेन तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया और नीचे से इसका भी एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया, पूरा पूरा का इक्वल था बच्चों, दोनों का हाफ हाफ इक्वल हो गया तो चारों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। अब लिखने का तरीका देख लो आप, डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्स ईच अदर देयरफॉर ओए इज इक्वल टू ओसी, दिस मीन्स DO is median of triangle ABC. Therefore, area of AOD equal to area of COD. इसको कर लेंगे सेकंड. Similarly, OB या BO. Similarly, BO is median of triangle ABC. Therefore, area of AOB equal to area of BOC. Third, from फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, पूरा पूरा का इक्वल था बच्चों, दो दो पार्ट में बढ़ गया, सिर्फ मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन मिटा रही हूँ गिवन और टू को। देयरफॉर एरिया ऑफ एओबी इक्वल टू एरिया ऑफ बीओसी इक्वल टू, यहाँ पर जो लिखा ही हुआ था एरिया ऑफ सीओडी इक्वल टू एरिया ऑफ बीओडी। कोई दिक्कत चिल्ड्रेन, सब में एक ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि मीडियन जो है
किसी दिए हुए ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। लैंग्वेज बड़ी है बच्चों, एक बार लिख लो, नहीं आए तो पूछना, फिर से बताऊंगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। हो जाए चिल्ड्रेन तो डन लिख देना। वापस बताना है चिल्ड्रेन, या समझ में आ गया ये बोलो। देखो वापस एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेट इस ट्रायंगल के, तो इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल। डायगोनल जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, तो ये इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, ये मीडियन, इसका एरिया इसके इक्वल। इधर से भी वही सेम बात बच्चों, ये मीडियन तो इसका एरिया इसके इक्वल, पूरा पूरा का इक्वल था बच्चों, तो उनके सारे पार्ट भी आपस में क्या हो गए, सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। आप चाहो तो इसकी जगह पर इसको क्या लिख सकते हो, टू एरिया ऑफ एबीसी, इसको क्या लिख सकते हो, टू एरिया ऑफ एबीसी, इसको लिख सकते हो टू एरिया ऑफ सॉरी एडीसी, टू एरिया ऑफ एबीसी, टू एरिया ऑफ एबीसी, सबके टू टू काट दो आगे से, सब आपस में इक्वल हो गए। ओके चिल्ड्रेन, एक क्वेश्चन और समझा दे रही हूँ, फोर्थ, बहुत ईजी है, आप इसको बना लेना, समझा दे रही हूँ, अभी है टाइम थोड़ा सा। देखो ये ना हमें एक फिगर मिला हुआ है इस तरह से, ये फिगर है हमारा ए बी, ये क्वेश्चन नंबर फोर, ए बी सी डी, और ये हमारा ओ है, और ये दोनों इक्वल दे रखा है चिल्ड्रन। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी। अब देखो ध्यान से, ये दोनों इक्वल है बच्चों, तो फर्स्ट और सेकेंड का एरिया इक्वल हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड, ठीक है ना। फिर ये दोनों इक्वल है बच्चों, तो एरिया ऑफ थर्ड, नाम लिख लेना, ये समझा रही हूँ, एरिया ऑफ फोर्थ, इसके लिए ये मीडियन है और इसके लिए ये मीडियन है ना। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग वन एंड टू, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ वन प्लस एरिया ऑफ थ्री, और ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, एरिया ऑफ टू प्लस एरिया ऑफ फोर, और देखो ये आ गया, ये दोनों मिलकर क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी, और ये दोनों मिलकर क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ए बी डी। है ना, अप्रूव हो गया, तो इसको आप पूरा कंप्लीट से लिख लेना, आगे फिर बताऊंगी मैं। कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ चिल्ड्रेन, ये जितने काम कराई हूँ आप सब एक बार प्रैक्टिस कॉपी में, और एक बार आप अपनी जो क्लास वर्क कॉपी होती थी टू टाइम्स आप करना, क्योंकि अभी तो मैं समझा रही हूँ, आप खुद से इसको बनाना दो बार, एक बार तो अभी बना रखी हो, एक बार खुद से सारा बनाना, तभी आपको आएगा, वरना अभी तो समझ में आ जाएगा, फिर बाद में भूल जाओगे आप, ठीक है ना। ओके चिल्ड्रन,